डायग्नोस्टिक सेंटर जो आरा में प्रथम आउटलेट कलेक्शन में यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम लोग आए हुए हैं और हम डॉक्टर प्रभात रंजन जो कि हमारे काफ़ी वाइब्रेंट और लर्नेड पैथोलॉजिस्ट हैं, पटना के रिनॉन पैथोलॉजिस्ट हैं, जिनके द्वारा आज ये कार्यक्रम के द्वारा ये आउटलेट कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन हो रहा है। हम आप लोगों के आभार व्यक्त कर रहे हैं जो इनके द्वारा आरा में एक अच्छी चीज का एक जांच के क्षेत्र में, एक पैथोलॉजी के क्षेत्र में, एक ट्रीटमेंट के क्षेत्र में जिसकी कमी थी, जो हम लोग और करते हैं उससे बेटर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट यहाँ आरा के जनता को मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैथोलॉजी के क्षेत्र में रोज़ नया चेंज होता है। सबसे बड़ा बात है क्या कि पैथोलॉजी का डायग्नोसिस जो है, जैसे टाइफाइड का ही है तो बीमारी तो वही रहता है, इलाज बदलता रहता है, नए एंटीबायोटिक्स आते हैं, वैसे ही हर्ट बीमारी में टेस्ट बदलते रहते हैं, नया एडवांसमेंट आता रहता है। बिहार में सबसे बड़ा समस्या क्या है कि अभी भी यहाँ पर पूर्ण रूप से सभी टेस्ट पटना में लोग नहीं करवाते हैं, बाहर जाता है, जो भी कॉरपोरेट कंपनियाँ हैं वो सैंपल्स बाहर भेजती हैं बिहार से, उससे सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के लोगों को और पेशेंट को होता है। जैसे जो रिपोर्ट एक दिन में मिलना चाहिए 24 घंटे में, वो सैंपल बाहर जाने से 3 से 4 दिन में मिलता है। तो बीमारी क्या है, बीमारी रोज़ बढ़ती है, वो तो आपके रिपोर्ट आने के लिए वेट नहीं करेगा, तो जब तक रिपोर्ट आती है तब तक बीमारी का स्टेज आगे बढ़ चुका होता है। तो इसीलिए हम लोग डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का सबसे एडवांस सेंटर है पैथोलॉजी का, और सारा टेस्ट वहाँ पर होता है, जितनी भी तरह की टेस्ट सुविधाएँ हैं बिहार में, उससे ज़्यादा कहीं पे भी अभी पैथोलॉजी की टेस्ट बिहार के किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में नहीं होता है। तो हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पे फ्रेंचाइजी के रूप में दिया है ताकि बिहार की जनता और जो पेशेंट्स हैं उनका सैंपल बाहर नहीं जाए और उनको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मिल जाए और कम दाम में कम समय में सही रिपोर्ट मिले। और इसके बारे में हमारे सेंटर्स के रिपोर्ट के बारे में सारे डॉक्टर्स को काफ़ी भरोसा है और सब लोग इसके लिए पहले से भी उन लोगों का ये था विचार कि इस तरह का सिस्टम शुरू किया जाए ताकि बिहार के पेशेंट्स को काफ़ी फायदा हो। जैसे आप बात करते हैं बिहार में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, तो जब बिहार में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है तो हम बिहारियों को ही इसके लिए काम करना पड़ेगा, हम बिहारियों को ही आगे बढ़ के इस जिम्मेवारी को उठाना होगा। तो बिहार के जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यू है वो एकदम सही है कि बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, तो हम लोगों को ही मेंटलिटी भी बदलनी होगी कि हम लोग अपना जाँच वगैरह जो भी कराना है बिहार के लोगों को, कि बिहार के डायग्नोस्टिक सेंटर पर भरोसा करके काम करें। इससे उनको दो तरह की फ़ायदा होगी, एक तो जल्दी रिपोर्ट्स मिलेगा और वो हम लोगों से बात कर सकते हैं, पेशेंट्स बात कर सकते हैं, डॉक्टर्स बात कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा होता है, जब आप कॉर्पोरेट्स में टेस्ट करवाते हैं तो आप बात करना चाहते हैं तो ना किसी डॉक्टर से बात होता है आपके रिपोर्ट के बारे में। तो ये सारे सुविधाएं हमारे सेंटर पे हैं।